मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गम में आपने जो कुर्बानी दी दीन इस्लाम को बचाने के लिए, और आज पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हमें नज़र आते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ही नतीजा है। हुसैन आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और लब्बैक या हुसैन के नारे आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ मातम जनी जारी है, सीना को भी की जा रही है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में। तक इतने ज़ायरीन की तादाद अभी तक नहीं देखी, अभी तक भी पूरे लाहौर की सड़कों के पर जुलूस आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3 रोज से सिर्फ लाहौर से नहीं बाकी जो दीगर नवा के जो इलाके हैं, करीब जो शहर हैं, वो सबसे यहाँ पे मरकजी जुलूस करबला गामे शाह जो इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं खुद जो है वो ठोकर से आया हूँ, और हम सुबह 8 बजे से जो हम इसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हुए आए हैं और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस बार इतनी तादाद इकट्ठी होने की वजह क्या है, प्लानिंग की गई है या फिर लोग अपनी? इस बार प्लानिंग तो नहीं की गई, अलबत्ता कुछ यजीदी हैं उन्होंने अली वलीउल्लाह कहा कि नमाज से हम अजान से निकाल देंगे, हम उसके खिलाफ आए हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं, और उन्होंने कहा कि अली वलीउल्लाह जो है उसकी ईद गदीर के ऊपर बाकायदा ऐलान किया गया और कहा गया कि मन कुंतो मौला फाज़ा अली मौला, हम वो गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वखलीफ़ात बिलाफसल उनके बगैर किसी वक्फे के इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा हैं। और हम यहाँ पे पहले जो है वो मशी की जाती थी लेकिन इतनी कसीर तादाद में नहीं होती थी, लेकिन चूँकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र को कम कर किया जा रहा है तो हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जितना कम किया जाएगा हुसैनी उतने घरों से बाहर। ये वो पाक हस्तियाँ जिनके सदक़े में कायनात कल की गई है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने है कि हुसैन मिनी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन जो हुसैन से मोहब्बत करता है और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, उनकी आल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उनके पाक दीन से मोहब्बत करता है, मैं कहूँगा कि वो लाजमी घरों से बाहर निकलें और एक मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक में जो है वो अपनी सदा बुलंद करें। संजीव जनी दिखा रहे हैं, ये 10 साल के बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जंजीर जनी कर रहे हैं। सिर्फ 10 साल इस बच्चे की उम्र है और जो दूसरा बच्चा है उसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल है, और ये आप इस वक्त मनाजिर देख सकते हैं कि इश्क में इंसान किस कदर अपने आप को फना कर देता है, और ये उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। इस बच्चे को देखें कि इसके जिस्म के ऊपर किस कदर वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में मोहब्बत में किस कदर ये मातम जनी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इंसान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में इश्क में जिक्र में किस हद तक जा सकता है, और ये पूरी दुनिया की यजीदियत को खुल्लम खुल्ला एक ललकार है। कितनी एज के थे जब से ये आप कर रहे हैं? छोटे थे, इतने थे। इससे भी छोटे थे? हाँ। तो आए कहाँ से हैं आप? हम लकड़मंगी साहिवाल। साहिवाल से आए हैं जी। तो व्यूअर्स आपने देखी 5 साल बच्चे की और 7 साल बच्चे की, 10 साल बच्चे की जंजीर जनी। इजाज़त दीजिए आपको और मनाजर भी दिखाते हैं, अल्लाह ने के बाद।